सो दोस्तों, आज का हमारा डेली टास्क क्या होने वाला है, चलिए उस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा जो है डेली ट्रिविया चैलेंज में आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको चौथे नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है जैसे कि फ्यूचर, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आप देखो, ये आपका 5000 का प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज हो गया, क्लेम कर लोगे। एंड आज का हमारा वर्ड गेस डेली क्या होने वाला है उस चीज़ को जानते हैं। तो वर्ड गेस पे क्लिक करते हैं। वर्ड गेस पे क्लिक करने के बाद आज का जो हमारा वर्ड गेस है वो है एंकर। आपको साइड में स्पेलिंग सही सही दिख जाएगा। हर दिन मैं बोलता हूँ, इस दिन भी बोलूँगा कि आपको वर्ड को सही सही फिल अप करना है, ताकि जो आज का हमारा वर्ड गेस है वो आप मिस ना करो और आप 5000 का प्रॉफिट मिस ना कर दो। तो आपको वर्ड सही सही डालना है एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो एंड यहाँ पे आपका 5000 का प्रॉफिट पर आवर यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से आप डेली का 10000 प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज कर सकते हो एंड यहाँ पे बोनस पे क्लिक करके डेली रिवार्ड यहाँ पे इस तरीके से क्लेम कर सकते हो। अब इन सभी टास्क को कंप्लीट करके आप यहाँ पे प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, इतने से आपका प्रॉफिट पर आवर हाई नहीं पहुंच सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सभी के साथ साथ आपको रेफर्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक रेफर कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज होता है। तो आप उसी तरीके से अपना कैलकुलेशन देख लेना कि आपको कितना करना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज हो जाए। जब आपका प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो कॉइंस है ना वो बनता जाएगा। जब आपका कॉइंस बनेगा उसके बाद ही जाके आप इन्वेस्ट कर पाओगे किसी कार्ड्स में। तो कोशिश करना, प्रॉफिट पर आवर तो 10000 में बता दूंगा कि आपको डेली कैसे लेना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेफर्स खुद से कंप्लीट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इन्वेस्ट के सेक्शन पे जाओ, आपको बहुत सारे ऑप्शन वहां पे मिल जाएंगे, गोटे आई फूल एंड बहुत सारे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाते हैं। आप देखना उन सभी में कौन सा अच्छा कार्ड है, कौन सा बेड कार्ड है। यदि आप लोग मेरे को कमेंट करते हो कि हमको पता नहीं कि कौन सा कार्ड्स बढ़िया है, कौन सा कार्ड सही नहीं है, तो आप लोग जरूर कमेंट करना ताकि मैं उस चीज को एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। जैसे कि कोई भी एक सेक्शन हो गया, उस सेक्शन में जितने सारे कार्ड्स, चाहे 15 कार्ड से या 20 कार्ड से, और उन सभी कार्ड्स में जो भी कार्ड्स लॉक है उन सभी को मैं अनलॉक करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि कंपनी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन कभी भी एक्सीडेंटली डिलीट हो सकता है। जैसे कि आपका फोन चोरी हो गया तो आपका एप्लीकेशन हट गया, यानी कि आपका फोन टूट गया तब भी आ सकता है, यानी कि किसी भी तरीके का एक्सीडेंटली प्रॉब्लम हो जाता है आपके साथ, आपके फोन के साथ, तो आप उस टाइम क्या करोगे। तो कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि आपको जरा सा भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन, जो कि आपका मेहनत है, वो आपके पास नहीं बल्कि कंपनी के पास ऐप है। आपका फोन अगर गुम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका फोन टूट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, या तो आपने गलती से एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फिर से डाउनलोड करोगे ना, आप वहीं पहुंच जाओगे जहां आपने छोड़ा था, ये कंपनी खुद बोलती है, और ये मेरे को बहुत ही अच्छा फीचर लगा। तो अब यहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं एप्लीकेशन को, जैसे मेरे फोन में कोई स्टोरेज नहीं है तो मेरे को कोई एप्लीकेशन को हटाना है, तो आप ये कर सकते हो, एप्लीकेशन को हटा दोगे तो आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर जब आप डाउनलोड करोगे तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहां आपने छोड़ा था। ये अपडेट आया कंपनी की तरफ से। बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूं, तो आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। अभी तक आपने बीलबदेव एप्लीकेशन में आईडी एक्टिवेट नहीं किया है तो आपको करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। यदि आप आईफोन यूजर है तो आपको आईफोन डाउनलोडर लिंक मिल जाएगा, यदि आप एंड्रॉइड यूजर है तो आपको एंड्रॉइड डाउनलोडर लिंक मिल जाएगा। जो भी आपके पास डिवाइस है वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना है। यदि वहां से डाउनलोड नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो कि आप मेरे टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे आपको डाउनलोड फाइल मैंने वहां पे पिन कर दिया है, आप वहां पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड रेफर कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोशिश करना कि रेफर कोड यूज करना, विदाउट रेफर कोड इसमें आओगे तो आप बाद में पछतावा हो सकता है, आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि आप रेफर कोड यूज करें तभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, अदरवाइज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड ही मत करो। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा जो डेली टास्क क्या था। तो साथ ही साथ जो माइंड में क्वेश्चन था कि यदि फोन में डिलीट हो गया या फोन टूट गया तो जो एप्लीकेशन का जितना मेहनत किए हैं हम, चाहे जितने भी प्रॉफिट पर आवर किए हैं, चाहे जितने भी रेफर्स किए, सब पानी में बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो ये भी चीज आपका सेफ है, कंपनी इस चीज को आपको सेफ रखती है। आपका जो भी आईडी है जितना भी है कंपनी के पास रहता है सेफ, बल्कि आपके पास नहीं, आप चाहो तो रख सकते हो लेकिन आपके पास ज्यादा सेफ कंपनी के पास रहती है, और कंपनी ये चीज आपको अलर्ट कर दिया है, ये चीज आपको गुड इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दे, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस में रखें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो चीज आपके पास सबसे पहले जाए और वो चीज आप सबसे पहले कर सको। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।